यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। सारनाथ में बहुत कुछ देखा है। कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा है। सबसे अच्छा चीज क्या लगा? बनारस की गलियां। ऑब्वियसली यहाँ का लोकेशन काफी अच्छा है, व्यूज काफी अच्छे हैं, मंदिर। आप लोग खूब मस्ती करने वाले हैं। जी बिल्कुल। लास्ट है, पता नहीं कब मनाने का मिलेंगे। मुझे तो म्यूजियम अच्छा लगता है। भगवान बुद्ध कैसे लगते हैं? बहुत अच्छा है, इनके विचारों से सब चलते हैं। बुद्ध जी का उपदेश का चित्र गाँव है कुटी बिहार में, वो अच्छा लगता है हमको। नमस्ते भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं भगवान बुद्ध की स्थली सारनाथ में। जी हाँ, वही सारनाथ जहाँ ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था। हमारे सामने ठीक वो जगह है, वो मंदिर है, वो स्थल है जहाँ भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था बोध गया में। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो चलकर वहाँ से सारनाथ आए थे और इसी पावन भूमि पर उन्होंने पहली बार अपना उपदेश बांटा था। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली पर जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। हम आपको बताएं कि भगवान बुद्ध के जीवन से चार स्थान जुड़ा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है उनकी जन्म स्थली लुम्बिनी, और दूसरा स्थान है जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया कुशीनगर, और उसके बाद ये सारनाथ है जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार उपदेश दिया था। हम उस आपको उस पावन धरती पर लिए चलते हैं, चलिए हमारे साथ। और हम आ गए हैं भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली सारनाथ के उस मंदिर के पास जो हमारे बिल्कुल ही करीब है। और हम आपको बता दें, हमारे पीछे जो मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर का नाम है मूलीगंध कुटीर बिहार। जी हाँ, इस मंदिर का नाम धर्मपाल जी ने रखा था, जिन्होंने इसका निर्माण कराया था। हम मंदिर में चलने से पहले उस व्यक्ति से आपकी जान पहचान करवा देना चाहते हैं जो इसके आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने अपने विचार और अपनी बुद्धि से इस मंदिर का निर्माण करवाया था, जो उनकी सोच की उपज थी। और ये हैं धर्मपाल जी, आइए इनके बारे में हम जानते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक से। और हमारे साथ किशन जी हैं जो पेशे से गाइड हैं, आइए उनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। क्या जानते हैं आप यहाँ के बारे में? जी, एक बौद्ध स्थल है, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया है सारनाथ में आकर। तो श्रीलंका के रहने वाले अनागारिक धर्मपाल जी हैं, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया 1931 में। उस टाइम इस मंदिर की लागत लगी थी 70,000 से 80,000 तक। और किस जगह पर उन्होंने पहला उपदेश दिया है सारनाथ में, आपको आगे चलकर दिखाते हैं। आगे आइए। क्या कुछ सारनाथ में देखा है? सारनाथ में बहुत कुछ देखा है। जी। कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा है। सबसे अच्छा चीज़ क्या लगा? बनारस की गलियाँ। गली तो बनारस तो यहाँ से दूर है 10 किलोमीटर। यहाँ पर बनारस ही आए थे ना, फिर बाद में यहाँ आए। जी जी। आप कहाँ से आए भैया? गुजरात से आए। गुजरात से हम 7-15 जन का हमारा ग्रुप है, उत्तर प्रदेश घूमने आए, खास तो काशी विश्वनाथ और भैया वो हमारा राम मंदिर और अयोध्या, जहाँ राम मंदिर कभी वॉस करने वाला है। यहाँ से आगे जाएंगे छपैया, हमारा स्वामीनारायण भगवान का जन्मस्थल है। भगवान बुद्ध कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छा है, इनके विचारों से सब चलते हैं। इनके विचार बहुत बढ़िया है।
इनके दर्शन करने के लिए भी आए यहाँ भी, इनका थोड़ा ज्ञान लेके देखेंगे यहाँ से, क्या थोड़ा सोच सीखेंगे यहाँ से। दिखाई दे रहा है सामने सर, इस स्तूप है, इस स्तूप का नाम है धम्मिक स्तूप, जो अशोक सम्राट द्वारा निर्माण कराया गया है, आज से लगभग 2300 वर्ष पुराना है। इस स्तूप के अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, कोई खिड़की नहीं है। जैसे आपको बाहर से सॉलिड दिख रहा है, अंदर से भी पूरा सॉलिड बनाया गया है। इसकी लंबाई 103 फीट है, गोलाकार राउंडिंग 93 फीट है। ये वही जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने पांचों शिष्य को पहला उपदेश दिया सारनाथ में, ज्ञान प्राप्त हुई थी बोध गया में, पहला उपदेश दिए थे यही जगह पे। जो अब जो ये पीपल की पेड़ देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं बोधि ट्री। इसी पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी गौतम बुद्ध को, बोध गया बिहार में, और इसी पेड़ की शाखा लेकर संघ मित्रा और महेंद्र अशोक सम्राट की बेटी और बेटा इंडिया में बौद्ध प्रचार ज्यादा करने के बाद ले जाकर श्रीलंका अनुराधापुरा में लगाए थे। उसी अनुराधापुरा में से अनागारिक धर्मपाल जी ने 1932 में यहाँ पे लगाया, जिसको हम लोग कहते हैं बोधि ट्री। ऐसा पेड़ तो आपको देखने का बहुत मिलेगा, मगर जिसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुई थी उसको हम लोग कहते हैं बोधि ट्री। तो इस बोधि ट्री का ट्री जो है तीन जगह लगाया गया है, जो पहला है बोध गया बिहार में ओरिजिनल, दूसरा श्रीलंका अनुराधापुरा में, तीसरा यहाँ, इसके अलावा कहीं नहीं है। जो पांचों शिष्य का मॉडल बनाया हुआ देख रहे हैं आप लोग, पहला उपदेश दिए थे स्तूप के पास गौतम बुद्ध ने, यादगार के लिए यहाँ पे बर्मा के लोग इसको बनाए 1988 में, जो पांचों शिष्य का मॉडल बनाया गया, कौंडन्या वप्पा भद्र असुजी महानमा, ये पांचों शिष्य का नाम है। अरे जो तांबे वाला है दिख रहा है जो नचा रही है, यहाँ पे तिब्बत वाले इसको लगवाए, उन लोग का मंत्र लिखा रहता है ओम मामे पेमे पद्मे, जैसे हम लोग का ओम नमः शिवाय। तो अपने अपने अलग अलग तरीका होते हैं दर्शन पूजा करने का, तो हम लोग घंटी बजाते हैं शंख बजाते हैं, तो सब नचा कर यहाँ पे पूजा करते हैं। जो बेल दिख रहा है सर 2 टन की है, सुबह में 4 बजे शाम को 6:30 बजे डेली यहाँ पे बजाया जाता है। इसकी आवाज़ 2 से 2.5 किलोमीटर दूर तक जाती है। जर्मन की एक लेडीज यहाँ पे डोनेशन दान में दी है इस बेल को। 2 टन का किस चीज का बना हुआ है? ये मिक्स है, धातु है और बहुत सारे चीज मिक्स करके इसको बनाया गया। जी मैम, कहाँ से आई हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर तो पास ही में है, तो पहली बार आई हैं? नहीं नहीं, बहुत बार आ चुके हैं हम लोग। बहुत बार। क्या खास मतलब जो है यहाँ आपको खींच लाता है? ये गौतम बुद्ध का जो मंदिर है बहुत अच्छा लगता है, और चिड़ियाघर हम लोग देखते हैं वही सब देखने आते हैं, यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। जी क्या खास है जो मतलब आपको खींचता है यहाँ? ये यहाँ की प्रॉपर रहने वाली है। अच्छा मतलब आप आती हैं तो आपको भी तो कुछ कोई वजह रहा होगा कि मतलब? मेरा यही है, हम अगर किसी भी काम से आते हैं यहाँ पे घूमने, ये मंदिर की वजह से हम आते हैं। भगवान बुद्ध से प्रभावित हैं? कहते कि उन्होंने पहला उपदेश इसी जगह पे लिया था। सारनाथ मंदिर। जी ये वही जगह है मंदिर? हाँ यही मंदिर है, इसके जस्ट साइड में है जहाँ उपदेश दिए थे, 5 वो बनाया हुआ है। हाँ इनका स्तूप है। तो यहाँ मतलब आप अक्सर आती हैं? आप बताइए आपका क्या नाम है? जी अंजलि सिंह। अंजलि ये बताइए कि मतलब आप सारनाथ की हैं, तो सारनाथ यहाँ आप मंदिर आती हैं, तो सबसे अच्छा क्या चीज़ है ऐसा जो आपको यहाँ खींच लाता है? ऑब्वियसली यहाँ का लोकेशन काफ़ी अच्छा है, व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, मंदिर तो कहना ही नहीं है उसके लिए, तो इसी वजह से एक होता है अट्रैक्शन हो जाता है किसी जगह से, तो बस वही चीज़ है। एक्चुअली आज हम लोग का एग्ज़ाम था, लास्ट एग्ज़ाम था हमारा, तो हमने कहा कि जब फिर कहाँ ही मिलना है किसी का, तो एटलीस्ट यहाँ मिलते हुए चलते हैं, मंदिर का दर्शन भी हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा, इसी वजह से हम सब अभी कुछ फ्रेंड्स आ रही हैं वो भी, हम दोनों भी पहले आ गए हैं। आप लोग खूब मस्ती करने वाले हैं? जी जी बिल्कुल। लास्ट है, पता नहीं कब मिलेंगे। वो हम लोग की फ्रेंड है, आ गई तीनों। ये बताइए कि आप कहाँ से आई? नहीं पांडेपुर। ये बताइए कि यहाँ मतलब पहली बार आई हैं और इससे पहले? नहीं दूसरी बार आई। दूसरी बार आई है तो कुछ वजह होगी कि मतलब यहाँ आप पहुँचे? फ्रेंड के साथ आए तो घूम ले। यहाँ का सबसे अच्छा चीज क्या है सारनाथ का? मुझे तो म्यूजियम अच्छा लगता है। म्यूजियम अच्छा। भगवान बुद्ध से प्रभावित हैं? हाँ। आप बताइए। यस सर। क्या यहाँ का सबसे अच्छा चीज़ क्या है?
बुद्ध जी का उपदेश का चित्र गाँव है कुटी बिहार में, वो अच्छा लगता है हमको। अच्छा। उनका उपदेश अच्छा लगता है। तो उनके मतलब उपदेश को कभी मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं जीवन में? अभी तो नहीं किए हैं, लेकिन अच्छा लगता है उनको गाँव करें। तो अभी आप गए होंगे मंदिर के द्वार पे, जो सामने स्टेचू दिखाई हो गया होगा 7.5 फीट की है, गोल्डन कलर की, इसको पॉलिश किया गया है। जयपुर की वाइट पत्थर है, उस पर लोग गोल्डन कलर की पॉलिश की गया है। उसके पीछे गौतम बुद्ध की यहाँ पे अस्थि रखी है, यहाँ पे अस्थि रखी है जो कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन पे यहाँ पे 3 दिन निकाल के लोग दर्शन भी कराते हैं। उस दिन उस अस्थि को सर पे लेकर यहाँ से बहुत लंबी रस होती है, 1-2 किलोमीटर की रस होती है सर पे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बुद्धिस्ट लोग जो देश विदेश के हैं, बुद्धिस्ट लोग उसी कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन पे यहाँ पे आते हैं उस अस्थि का दर्शन करने के लिए। और उस सर को पे ऊपर रख कर हाथी आती है, घोड़ा आते हैं, अलग अलग रथ आते हैं, बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें आती हैं जो सर पे रख के 1-2 किलोमीटर की रस कर फिर ला कर द्वार के पास पे रख कर उस अस्थि को लोग दर्शन कराते हैं। उस वाले दिन पे इधर में सारनाथ में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। जो सामने स्टैचू है ताखे में, गौतम बुद्ध यहाँ पे 3 महीने बिताने के बाद में जब यहाँ से बोध प्रचार करने के बाद गए कुशीनगर में, गोरखपुर में पड़ता है, तो सेम इसी मुद्रे में उनकी वहाँ पे मृत्यु हुई थी 80 साल की उम्र में, 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी इसी मुद्रा में। कुशीनगर गोरखपुर में पड़ता है।